कब से जानता है तू इसको? जवाब चाहिए मुझे। खबरदार जो उधर देखने की कोशिश की तूने। सीधी सीधी बात बता, इस बच्चे का नाम क्या है? आवाज आ रही तेरे को? मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? तेरा नाम क्या है? शाहरुख। शाहरुख को जानता है? बड़ी बड़ी आंखें करके गुस्से से देख दुश्मन की तरह। जानता है इस बच्चे को? शाहरुख को जानता है हाँ या ना? हाँ। अच्छा लगता है तुझे? हाँ। छोड़ दू या जान से मार दू इसको मैं? छोड़ दे। गुस्से से बोलो। छोड़ दो। ताकत से बात कर मुझसे। छोड़ दो। इज्जत नहीं चाहिए तेरे से। आंखें बड़ी करके बात कर। छोड़ दू या जान से मार दू इसको? छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ूंगा, तू तंग नहीं रहेगा। तंग करेगा शाहरुख? नहीं। किस कुत्ते ने भेजा तुझे? कब से जानता है? पता नहीं। सर मत हिलाओ। शाहरुख मुसलमान है तुझे नहीं पता? पता है। सर मत हिला। शाहरुख मुसलमान है जी। कब से जानता है तू इसको? कहाँ मिला था तुझे ये? जवाब चाहिए मुझे। पता नहीं। अच्छा तुझे पता नहीं? ये पता है ये मुसलमान है जी। और तू? मुसलमान हूँ। जिन्नात में से है क्या? नहीं। इंसान है ना? हाँ। बड़ी बड़ी आंखें करके देख मुझे गुस्से से दुश्मन की तरह। मैं बताता हूँ कौन सा इंसान है। हजरत यूसुफ मोहम्मद हाथ पकड़ो जरा, इससे चेक करो जिन्नातों में से है क्या। हाथ पकड़े तेरे किसी ने? हाथ पकड़े? नहीं। बाबा गला भी पकड़ो इसका, पसलियां भी पकड़ो इसकी। बता देखा किसी ने हाथ पकड़े तेरे? हाँ। गला पकड़ा किसी ने? नहीं। हाथ भी पकड़ो बाबा, गला भी पकड़ो इसका। चल अब एक और बात बता दे सच सच। तेरी कब्र कहाँ है? कैसे मर गया था? वो लड़का चाचू को बैठा, आंखें बड़ी बड़ी कर गुस्से से देख। इसके भाई का नाम क्या था जो मर गया? सुबैयल। हैं? सुबैयल। आंखें बड़ी बड़ी कर। सुबैयल है? हाँ? नहीं। शाहरुख। कौन शाहरुख? जो मेरे पास बैठा हो? हाँ। शाहरुख नहीं हो सकता। ये बता कि शाहरुख के साथ तू ये कर क्या रहा है? तेरे को किस कुत्ते ने भेजा है इसका बाजा बजाने के लिए? कौन हरामी है इसका दुश्मन? कौन है इसके पीछे? कौन चाहता है इसको ये बर्बाद हो जाए, आबाद ना हो? बड़ी बड़ी आंखें करके मैंने पता चला बच्चे तू तो खुद मरा हुआ है जो अपने आप को शाहरुख कह रहा है। क्या बोला मैंने? खुद मरा हुआ। अभी बाकायदा बताऊंगा तेरी कब्र का। चल मेरे साथ अल्लाह के वली देख, नजर आ रहे हैं अकेला हूँ। शाहरुख है ना, उसका तो बाप नहीं देख सकता मेरे पीछे अल्लाह के वली। तू देख सकता अगर मुसलमान मरा है तो। मैं अपने साथ सीधे आपके 30 जिन्नात दिखाऊंगा अल्लाह के हुक्म से, पीछे 17 अल्लाह के वली दिखाऊंगा तुझे। आके मेरी आंखों में अल्लाह के वाली है। अल्लाह के वाली है। सुभान अल्लाह। अली अली है। हक है। सुभान अल्लाह। शाहरुख 10 बार पैदा हो जाए ना बेशक, और ना यहाँ हम जितने भी बैठे हैं वो देख सकते। तुम सबको कसम है अल्लाह और रसूल पाक की, तुमको नजर आ रहा है कोई अल्लाह का वली? नहीं बाबा। तुझे नजर आ रहा है? हां। सुभान अल्लाह सुभान। चल 30 जिन्नात भी देख ले सीधे आप। नजर आ रहे? नहीं। अल्लाह के वलियों को सलाम कर। सलाम कर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली हक है। चल जिन्नात भी देख ले। चल ला इलाहा इल्लल्लाह।
प्लीज जिंदा देख ले मेरे सीधे आपकी तरफ, सलाम कर देना नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान, क्या बात है। नारे हैदरी या अली, सुभान अली हक हक है। चल इधर गए बताया, अभी बताओ कि तू इस बच्चे को कब से जानता है सच, कौन है कुत्ता जिसने तेरे को भेजा ऐसे कुछ। देख तू मुसलमान है, तू कसूरवार नहीं है, मैं तुझे बता दूँ, तू मुसलमान है, तू कसूरवार नहीं है। किसी ने तेरे को इस्तेमाल किया है, पढ़ाई करके तेरी कब्र में पढ़ाई की है, तेरे को भेजा गया है इसका बेड़ा गर्क करने के लिए, ठीक है। मुझको वो अल्लाह ने वो कुदरत दी है, वो ताकत दी है कि मैं अभी के अभी उस आमिल को भी पकड़ सकता हूँ जिसने तेरे को सुभान अल्लाह भेजा है, और अभी उसको भी पकड़ के बिठा सकता हूँ। वो चाचू वाले तेरा नाम क्या है? उसामा। उसामा देख मैं तुमको बताऊँगा कौन कुत्ता है इसके पीछे, लेकिन तुम्हारा काम नहीं है बदला लेने का, हमारा काम है हमको करने थे, तुम ये नहीं कि छुरा मार के आ जाओ उसको जान संभाल। आंखों देख हमारी बड़ी बड़ी आँखें रखे गुस्से से खुश होते, हम बताते हैं तुझे कि तू कहाँ से आया है और किससे नहीं आया। अच्छा तू बता इस उसाम उस बच्चे को शाहरुख को तुमने क्या क्या तकलीफ दी? तकलीफ दी है बच्चे को हमारे, सच बोलिए। नहीं। अच्छा इसके साथ कल क्या है, क्या कर? पता नहीं क्यों इसके साथ, क्योंकि यार पूछता है किसी वक्त इसको बहुत ज़्यादा बुखार आया हो कभी ज़िंदगी में, जिस वक्त इसने पकड़ा था ना उसको बहुत ज़्यादा बुखार आया। आप तो बता सकते हो ना कि आपने कितने टाइम पहले पकड़ा था इसका? क्या नहीं। आप शाहरुख के साथ कितने टाइम से हो आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा आपको ये भी नहीं पता कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो? मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों मैं याद आ गया, मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए याद आ गया कि मुसलमान के अलावा तो ये दीदार नहीं कराते अपना किसी को, आप अल्लाह के वली देख रहे हो तो ये मुसलमान ही देख सकता है। अच्छा आपकी चाहत क्या है ये बताए, चलो क्या चाहते हो आप, क्यों आए हो मेरे सामने? सांस रोक के बताऊँगा। मैं इसलिए आया हूँ मेरी परेशानियाँ दूर हो जाए। हाँ मेरी माँ बिल्कुल वापस दोबारा आँखें मेरी तरफ करो, मुझे बात नहीं करनी शाहरुख से, राइट अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूँ मेरी माँ बिल्कुल से, मुझे शाहरुख से बात ही नहीं करनी है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैंने बोला ना शाहरुख का बाप ही नहीं देख सकता अल्लाह के वली, उससे बात करनी है जो अभी शाहरुख के अंदर आया हो, मुझसे बात जो कर रहा है उससे बात करनी है, शाहरुख से बात नहीं करनी है मुझे, जिसने अल्लाह के वली देखे उससे बात करनी है। आंखें टिकाओ मेरी आंखों में, तुम्हारी बॉडी हिलने लगेगी खुद ब खुद, देखो ये पहचान है मरे हुए की, बोलो अब्दुर्रहमान हिल रही है बॉडी? जी बाबा। तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम शाहरुख हो या कोई मरे हुए? अब आगे तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम शाहरुख हो या इसके साथ कोई मरे हुए? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मौत कब हुई है, कब तुमने इस गरीब को पकड़ लिया, कब तुम्हारी वजह से इसका बेड़ा गर्क हो रहा है गरीब का, पता है तुम्हें कुछ नहीं? फिर अब सुनो मेरी बात, गुस्से से मुझे देखोगे बड़ी बड़ी आंखें करके, अगर किसी खबीस ने तुमको पढ़ाई करके भेजा है तो एक मिनट नहीं लगेगी वो आ जाएगा इंशाल्लाह, एक मिनट। और पैसे लिए हैं किसी कुत्ते ने, आमिल ने, वो भी आ जाएगा, किसी ने पैसे दिए हैं वो भी आ जाएगा। गुस्से से देखने का बोला है, सांस चलाने का नहीं बोला है, गुस्से से ताकत से देख, अभी बुलाने लगा हूँ मैं उसको जिसने तुझे भेजा है, और अगर तूने खुद पकड़ा है
इसका रास्ता भी बता दूँगा कि कैसे तू छोड़ेगा इसको, कैसे जाएगा इसको छोड़ के, और कैसे इसकी परेशानी होगी। जी बाबा, जी बाबा, मूमेंट। जी बाबा, देख रहा हूँ। आप बच्चों को कुछ समझ में आ रही है बात? तुम गधों को कुछ समझ में आ रही है? बॉडी की कसम ये मरा हुआ है। शाहरुख को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है ऐसा। क्या इसको ये झूला मैं दे रहा हूँ क्या? ये मेरे रब की शान है, उसकी कर्म नवाजी है। तो एक मुर्दा मेरे सामने बैठा हुआ है, ये भी नहीं पता कि मैं मरा कब हूँ, मेरी कब्र कहाँ है और मेरा नाम क्या था, तो कब मेरा हादसा हुआ, कब मैं मर गया। तुम चाहते हो कि ये शाहरुख को खैर मिल जाए? हाँ। तो तुमको मेरी बात समझनी पड़ेगी, उस पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी वजह से शाहरुख परेशान है, और तुमको ऐसा लगता है कि तुम भी शाहरुख ही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सही है। बॉडी हिल रही है, एक मरे हुए की हिल रही है, मरे हुए की, जो दुनिया में नहीं है। तो शाहरुख का भाई को जब बुलाएंगे ना, तो वो भी इसी तरह हिलता हुआ आएगा। बाबा, ये खुद भी तकलीफ में होगा, पूछे बेचारों को मुफ्त आसानी हो जाएगी। अब ये निकल जाएगा ना यहाँ से, तो इसको इसकी कब्र का रास्ता मिल जाएगा, इसको सुकून हो जाएगा। इसके मुँह से पूछें तो बाबा हमें भी कुछ मिलेगा सीखने। भाई असल में ये भटका हुआ है ना, इसको पता ही नहीं है इसने कब किसको पकड़ा है, क्या है क्या नहीं है। तो शाहरुख को भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता। शाहरुख की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, इसको खुद नहीं पता कि शाहरुख की ज़िंदगी क्यों ख़राब हो रही है। अब तो मैं बुलाने लगा हूँ ना, मेरे को इतना मौका दे दो कि मैं उसको बुलाऊँ जिसने इसको भेजा। जी बाबा, जी बाबा, हाजिर। हाँ, दो बंदे तो पहले आने दो, फिर तुम्हारी बात का जवाब दूँ मैं। ठीक है बाबा, ज़रूर। या अल्लाह, तू मेरी मदद कर परवरदिगार। आमीन। ए अल्लाह, तू मेरी मदद कर। मुझे शाहरुख के दुश्मन दिखा मेरे मौला, मुझे शाहरुख का दुश्मन दिखा जिसने इसको पढ़ाई करके अगर भेजा है किसी को, किसी खबीस को भेजा हुआ है, किसी को आमिल है कोई खबीस जिसने ये सारी कार्रवाइयाँ डाली हैं, जिसने इसको बेड़ा गर्क किया है, कौन दुश्मन है इसके पीछे। ए अल्लाह, तू बेहतर जानता है मेरे मौला। सुभान अल्लाह। सदरक तू ही मुझे बता, तू ही मेरी आगे रास्ता बना ले परवरदिगार, इस बच्चे का दुश्मन है। अली हक है। हाँ भाई, कब से जानता है शाहरुख? बात नहीं करेगा, बहुत अजीब दूंगा, बहुत पुराने से। सुभान अल्लाह। क्या दुश्मनी है तेरी शाहरुख से? जवाब चाहिए मुझे, कौन लगता है शाहरुख तेरा? कोई नहीं। फिर तू कैसे जानता है इसको? क्यों तूने पढ़ाई की है? क्यों तकलीफ दी है इस गरीब को? क्यों तूने भेजा है किसी मरे को? तू आमिल है क्या? मैंने पूछा, तू आमिल है? अली हक। ए सुभान अल्लाह। क्या करता है तू? कमबख्ती, कहां भटके पढ़ाई करता है तू? जिंदा है या मर चुका है? तू भी मर चुका, तू भी मर गया। उड़ती बोलो, अली हक है। अली हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी मौत कैसे हो गई? मुसलमान मरा था, हिंदू मरा था? तू हिंदू? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन से भगवान का भक्त है तू? अच्छा ये बता, शाहरुख का बेड़ा गर्क करने के लिए तेरे को पैसे किसने दिए? सही नहीं बोलेगा तो तेरी चिता एक मरतबा जल चुकी है, बात समझ ले मेरी। एक बार मैं दोबारा यहीं जला दूंगा तेरी चिता। इस लड़के शाहरुख से किसी की क्या दुश्मनी है कि तेरे को पैसे दिए, और तूने पढ़ाई करके भेजा भी तो एक मुसलमान को भेजा तूने, यानी अजियत भी दी। तो कोई हिंदू पढ़ाई करके नहीं भेज सकता था, तू मुसलमान को ही अजियत दी, तकलीफ दी मुसलमान को ही। जल्दी बता, तूने पढ़ाई करके भेजा भी तो कोई मुसलमान भेजा? आंखें इधर कर, किसी मुसलमान को भेजा था शाहरुख के ऊपर? अच्छा, तू खुद हिंदू है? नहीं। अभी तो बोला मैं हिंदू हूँ। मुसलमान। कौन मुसलमान है? शाहरुख।
अबे वो कौन है जिसने पढ़ाई करके भेजा? आमिल, तू आमिल है ना? आमिल तो हिंदू है ना? हाँ। फिर क्या घुमा रहा है मेरे को? किसने बेला घर किया? जल्दी बता, पैसे किसने दिए थे तुझे इसका बेला घर करने के लिए? नाम बता उसका। औरत थी, मर्द था वो? मर्द। नाम बता उसका, नाम बता, कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है जिसने तुझे पैसे दिए? नहीं बताएगा शराब, तकलीफ दूंगा फिर बताएगा, अजियत दूंगा फिर बताएगा। कौन है वो मर्द जो चाहता है इसका बेड़ा गर्क? कौन चाहता है शाहरुख का बेड़ा गर्क हो? अच्छा तू तेरे को मरे हुए कितना टाइम हो गया? 9 साल। 9 साल पहले मर गया तू? तो इसका मतलब है तेरी जिंदगी में तूने एक कार्रवाई डाली है। अच्छा एक बात बता, तूने सिर्फ शाहरुख को परेशान किया या इसके माँ बाप को भी? अबे 9 साल पहले। हाँ बाबा सही। अबे कुत्ते, तूने इसके भाई को भी तूने मरवाया? वो एक्सीडेंट तूने कराया था? मैं पूछा उसका जवाब दे। 9 साल पहले इसके भाई नाम क्या था उसका? उसका उसका मर्डर तूने करवाया है पढ़ाई करके? हाँ शाहरुख के भाई को तूने मरवाया? शाहरुख को भाई को एक्सीडेंट तूने करवाया? हाँ। क्यों, क्या दुश्मनी थी तेरी उससे? मुझे तो ऐसा लगता है तू ना शाहरुख का दुश्मन है ना उस बच्चे का दुश्मन है। तू हकीकत में दुश्मन है मुसरत का या शौकत का? शौकत का है, मुसरत का दुश्मन है तू? तेरे को पैसे किसने दिए? मुसरत को कोई जानने वाला था, शौकत का था? जल्दी बता, मुसरत के जानने वाले ने पैसे दिए, शौकत के जानने वाले ने पैसे दिए तुझे? अबे यहाँ आके बैठ के बना लेना, मेरा बाप मेरा चेहरा थोड़ी लेना है, इसका चेहरा लेना है गधे? शौकत का दुश्मन था जो उसने पैसे दिए तुझे, या मुसरत का दुश्मन था इसकी माँ का? जल्दी बता। नहीं बताएगा तो मैं अपने अल्लाह से मदद ले लूंगा अभी, तो तेरी चिता को आग लगाऊंगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा, सच से बता दे कि तेरे को पैसे किसने दिए 9 साल पहले? तू तो 9 साल पहले मरा था, लेकिन तूने कार्रवाई कब डाली थी? माँ ने। माँ बोले तो? मुसरत। मुसरत ने तुझे पैसे दिए थे? पैसे किसी और ने दिए थे। मुसरत किसकी दुश्मन है? क्या मुसरत अपने बच्चों को मरवा रही है क्या? हैं? मुसरत आई तेरे पास? नहीं। फिर मुसरत का काम उतारने के लिए किसी और ने बाबा पैसे दिए इसको, ये कह रहा है। मुसरत का बेड़ा गर्क करने के लिए किसी ने पैसे दिए तेरे को? बाबा पेन उठा, देखना कितना साफ हो गया। बाबा पेन उठा। हाँ हाँ, मुसरत का बेड़ा गर्क करने के लिए तुझे पैसे दिए किसी? तू हकीकत में जो पढ़ाई कर रहा है मुसरत के लिए कर रहा था और उसके बच्चों के लिए? हाँ। अच्छा तेरे को पढ़ाई सही सच बता दे, तेरे को पढ़ाई करने के लिए पैसे किसने दिए? सच, मुसरत का भाई या मुसरत की भाभी? नाम क्या है उसका मामी का भाई? मुसरत की भाभी ने पैसे दिए तेरे को या इसके भाई ने दिए? भाभी ने। नाम क्या है भाभी का? साइमा। साइमा ने तेरे को पैसे दिए? हाँ। क्या बोला साइमा ने? पेन दे दे। बुरा बाबा। साइमा ने तेरे को बोला? साइमा ने तेरे को बोला कि इसका बेड़ा गर्क करो? हाँ। है? हाँ। कब की बात है? 8-9 साल पुरानी। 9 साल पहले तो कुत्ते, तू मर गया था तो मरने के बाद तू काम करेगा क्या? अभी खबीस सिखा रहा है मेरे को बाबा जी ने। जब तू मर चुका था, जब तू मर गया तो तेरा बाप काम करेगा कब्र में, चिता काम करेगी बाद में? तूने काम किया तो जिंदगी में काम किया नहीं किया अपनी? किया।
कौन से इलाके में बैठता था तू? तू कौन से इलाके में बैठता था? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। कौन से इलाके में बैठता था? नाजमाबाद। तू नाजमाबाद में बच्चा रहता है शेरियार? तू तू कहाँ था? तू आमिल, वो कहाँ रहती है मामी इसकी? क्या नाम बताया इस मामी का? नासरा? साइमा। साइमा कहाँ रहती है? लंदन। तो क्या लंदन से तेरे को पैसे भेजती है काम उतारने के लिए? हाँ। क्या हाँ? वो लंदन से तुझे पैसे देगी? 8 साल पहले उसकी शादी हुई है बाबा, उसके मामू की। 9 साल पहले मर गया। एक मिनट भाई, साइमा जो औरत थी ना जी बाबा, इस औरत का इस आमिल से पिछला ताल्लुक भी है, शादी से पहले का जी। अच्छा, वो एक आज शरारती औरत है। कितने काम किए तूने साइमा के लिए बता? साइमा के अलावा भी एक कौन? शहनाज। वो क्या करती है? वो कौन है शाहरुख की मामी? वो क्या करती है? वो क्या करती है? वो भी करती है। क्या अमलियात? हाँ। और साइमा भी करती है? हाँ। शेराज कहाँ पर करती है? अमलियात पाकिस्तान में? कराची। कराची में किस जगह पर? कटीपाड़ी। कटीपाड़ी पे वो क्या करती है? वो अमलियात करती है। उसने क्या नुकसान पहुँचाया शाहरुख को या इसकी माँ मुशर्रफ को? बोलो। तबीयत खराब रहती है मेरी। मैं बार बार तुझे एक बात कह रहा हूँ लड़के, बीच में आके मेरा काम खराब नहीं कर। चुप रहो ए, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, शाहरुख बीच में नहीं आएगा। या अल्लाह तू मेरी मदद कर, परवरदिगार मुझे दिखा कि शाहरुख का दुश्मन कौन है। शहनाज है, मुशर्रफ है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कौन है इसके पीछे? कौन अभी आया? वो मरा हुआ अल्लाह पाक की तरह जिसने मेरे से बात की अभी, वो हिल रहा था। आया अल्लाह ने भेजा। सुभान अल्लाह ने भेजा। नहीं आया ना जो बच्चे 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 जलवा नहीं देख रहे? बच्चे बच्चे जलवा नहीं देख रहे इसका? बच्चे मोबाइल में ले। कैसे हो भाई मुसलमान? मज़ा आया? अभी कैसा महसूस हो रहा है? अब तो शाहरुख नहीं है ना? नहीं। अब तो शाहरुख नहीं है ना? नहीं। कलमा पढ़ के बोल दे, कलमा पढ़ के बोल दे हमारी तसल्ली के लिए। ये जो हिल रहा है वो शाहरुख नहीं है? कलमा पढ़ के बोल दे। सच बोलने में, हक बोलने में क्या जाता है? ये जो हिल रहा है वो शाहरुख नहीं है? इससे कलमा पढ़ ले, बात खत्म हो गई। फिर तेरे को तेरी कब्र का रास्ता देता हूँ, वादा है मेरा। बोलना कलमा पढ़ के मैं शाहरुख नहीं हूँ। सुनो सुनो जी, आगे पूरी बात। सुभान अल्लाह। सब बेवकूफ हो, तजर तवज्जो दिए। तू कोई लड़का तुम लोगों में से ऐसा कलमा पढ़ के बोलेगा? कभी भी नहीं बोलेगा जी। वो झूठा कलमा पढ़ेगा कोई ना? कभी नहीं बोलेगा। दोबारा आंखें फोकस कर, हिलना जुलना शुरू कर दे। वही बच्चा चाहिए हमको जिससे हमारे बात की अभी। शाहरुख बीच में नहीं आएगा, बाहर शाहरुख आएगा काम खराब हो जाएगा। शाहरुख की बात नहीं, वो शाहरुख के अंदर से उसको निकालना है। फिर वो बाद में शहनाज को भी रोता रहूँगा मैं, अभी इसकी माँ के ज़रिए
फिर मैं उसको भी रोता रहूँगा, कौन है वो मुसर्रत का दुश्मन, शहनाज है, भाभी है, फलाना है, जिनका अभी बाकी है, माँ बाकी है, अभी बाप बाकी है, अभी भाई बाकी है। पूरी तवज्जो पूरी ताकत से मुझे देखो, मुझे उसी से बात करनी है जिसने कलमा पढ़ के बोला मैं शाहरुख नहीं हूँ। आंखें मेरी आंखों उसी तवज्जो के साथ मैं वादा करता हूँ तुम्हारी रूह यहाँ से अलग करूँगा, तुमको भेजूँगा ईसा नबी कब्रस्तान, याकूब शाह बाबा का मज़ार पे भेजूँगा, सलाम देना तुम वहाँ जाके मेरा, मेरा नाम बोलना पीर सोबत कलंदरी, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तुम्हारी कब्र का भटकोगे नहीं, कोई तुम्हारे पे पढ़ाई भी नहीं करेगा, कुत्ते का बच्चा, कोई आमिल, कोई मवाली, कोई आमिल क्या बंगाली, कोई खबीस, कोई आलिम वाली, कोई तुम पर पढ़ाई नहीं करेगा, वादा आएगा, तुम्हारी जान छुड़वा दूँगा, चाहे वो हिंदू था या खबीस जो भी था। तुमसे तवज्जो मेरी आंखों में, तो बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखो, पूरी ताकत से गुस्से से दुश्मन की तरह मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा प्यारे नबी के करम से, अल्लाह के करम से, जिसने कलमा पढ़ा उससे बात करूँगी, शाहरुख से नहीं। जिसने कलमा पढ़ा वो चाहता है कि शाहरुख की जान छुट जाए, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान। जिसने कलमा पढ़ा वो चाहता है शाहरुख को बेचारे को भला हो जाए, जिसने कलमा पढ़ा वो चाहता है शाहरुख का भला हो जाए, सुभान अल्लाह, शाहरुख के लिए आसानी हो जाए। अब वो कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई आ गया है, अभी भी शाहरुख है, आ गया सुभान अल्लाह सुभान। मेरे भाई तेरा मेरा कोई झगड़ा है नहीं, तेरी मेरी कोई नाराजगी है नहीं, तेरी मेरी कोई दुश्मनी है नहीं, तू मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है ये बता। मैं तेरे को मारा पीटा, कोई अजियत दी, कोई तकलीफ दी, कोई दुख दिया, फिर ऐसे बंदे को छोड़ के जाना अच्छी बात है नहीं? छोड़ के मत जा, रास्ता दे रहा हूँ ना मेरे को, तवज्जो कर मेरे को, रास्ता ले। और अगर तूने किसी के कहने पर तकलीफ दी है शाहरुख को, दूर कर दे, बात खत्म। किसी के कहने पर तकलीफ दी है तूने शाहरुख को कोई? नहीं। तवज्जो फिर कर, हिल नहीं रहा, शाहरुख नहीं चाहिए मुझे, वही चाहिए जो जिसने कलमा पढ़ा। और तवज्जो, और पूरी ताकत, और गुस्सा, और दुश्मन की तरह आओ मेरे सामने। मैं वादा करता हूँ अल्लाह से कि तुम्हारे को रास्ता दूंगा। जो हिल रहा है ना, जिसने कलमा पढ़ा है, खुदा की कसम वो ज़ियारत कर सकता है अल्लाह के वली। सुभान अल्लाह बेशक। तुम्हारी मुसलमान होने की सबसे बड़ी गारंटी है कि तुम 30 जिन्नात भी देख सकते हो, 30-17 अल्लाह के वली देख सकते हो। अपना प्यारा नाम भी बता दे भाई। सब करेगा, अभी आहिस्ते आहिस्ते कलमा पढ़ के इसने बोला है, तो कलमा पढ़ के ये भी बताएगा कि यार ये खुद ज़ाती तौर पे कौन है। जब इसने बोला मैं शाहरुख नहीं हूँ, तो शाहरुख के अलावा ये खुद कौन है ये भी बताएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके दिमाग में डालेगा, क्योंकि रूह है ना भाई, जी भटका हुआ इंसान है, इसकी गलती हो गई, कहीं पकड़ लिया हुआ इसने, तो अब इसको रास्ता मिल रहा है अल्लाह के कुन से, तो अब ये आ गया, ये बड़ी बात है, अल्लाह ने करम फरमा दिया कि ये आ गया हमारे पास, तो इसने कलमा पढ़ के बोल दिया कि मैं शाहरुख नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा एहसान है मेरा अल्लाह का। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो आप फोकस करो मेरे भाई, आप जो कोई भी हो, आपको रास्ता दूंगा मैं अल्लाह के नाम से, वादा है मेरा, अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह बेशक बेशक। ठीक है बेटा, आप तवज्जो दो, पूरी ताकत से फोकस करो मेरे को, और थोड़ा जान लगा के और गुस्से से मेरे को देखोगे, इंशाल्लाह रास्ता मिल जाएगा। मुझे वही बंदा चाहिए जिसका कलमा पढ़ा, शाहरुख से बात नहीं कर रहा अब मैं, मुसर्रत की भी, मुसर्रत के दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूँ, शहनाज को भी भूल गया मैं, इसकी साइमा को भी भूल गया मैं, आमिल को भी भूल गया मैं, तुम्हारे पीछे सारे लोगों को भूल गया हूँ, अभी स्टॉप कर दिया, सिर्फ तुमको आज़ादी दे रहा हूँ ताकि तुम सुकून से अपनी कब्र में जाओ। और आज बड़ा ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें रास्ता मिल रहा है सुभान, और ये बड़े अल्लाह की करम नवाजी है कि मरे हुए को रास्ता मेरे जैसा गुनाहगार दे देता है, या मेरा ये बच्चा दे देता, वरना खुदा की कसम मैंने नहीं देखा कि मरे हुए को निकाल के उनको रास्ता दे, रास्ता नहीं मिलता है, मैं तो मरा हुआ पकड़ तो लेता है लेकिन उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता, ये जाने का रास्ता मैं दे रहा हूँ या ये अब्दुल रहमान अली हक कलंदरी दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। रास्ता चाहिए ना जाने का, छोड़ना इस बच्चे को, सुभान अल्लाह पक्की बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब ये बता दो कि तुम इसके साथ हो कितने वर्ष से सच? देखो मैंने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की,
मार पीट के मैंने मुसलमान नहीं करना है किसी को। शराफत से, मोहब्बत से बात हो रही है, इतनी मोहब्बत से बात करो, अब मेरा हक बनता है मैं तुम्हें मारूं? तुम इतनी शराफत से बात कर रहे हो मुझसे, तुमने मेरे कहने पे कलमा पढ़ा, तो क्या तुमने झूठा कलमा पढ़ा? नहीं। फिर मैं एक मरहूम को, मरहूम हो मेरे लिए तो सामने नज़र आ रहा है ना कि तुम इंसान हो लेकिन मर चुके हो, तो तुम्हें मारना पीटना मेरा जायज़ है, तुमको अजियत देना जायज़ है? हाँ। नाजायज़ है ना? मैं आपको कोई तकलीफ दूँ, जायज़ है? हाँ। अच्छा, आप भी अब तकलीफ मत दो, ये भी मुसलमान है शाहरुख। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि आप कितने टाइम से इसके साथ, कितना वक्त गुजर गया आपको इसके साथ? काफ़ी अरसे। बता दो ना यार, अब तो भाईबंदी वाली बात की ना, बता दो, सच बता दो। देखो हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा है नहीं यार, हमारे आपके साथ कोई तकलीफ नहीं दी, और आप पे एहसान किया, अल्लाह के वली दिखाए। अच्छा, एक एहसान और आप पे करेंगे खुदा की कसम कि आपको ईसा ने सवाब भी करेंगे, सुभान अल्लाह, सोने पे सवाब है। फिर एक एहसान के कोई कुत्ते का बच्चा आपको काबू भी नहीं करेगा, सुभान अल्लाह, आपको आपकी कब्र में सुकून भी मिल जाएगा बेशक। अगर आप शाहरुख के भाई हो तो आप मुझे बता दो कि भाई मैं वो भाई हूँ शाहरुख का जो मैं मर गया था, मैं वही हूँ, तो ये बता दो। शाहरुख के एक भाई है जिसकी रूह भटक रही है, वो इस जिस्म में आ सकती है और अभी आ सकती है एक मिनट के अंदर अल्लाह के हुक्म से, बेशक एक मिनट में। मैं इसके भाई को बुला लूँगा, लेकिन बुला इसलिए नहीं रहा हूँ कि इसके भाई से बात करेगा कौन, मैं उस वक्त बुलाऊँगा उसको कि जब उसके वालिद हो, उसकी वालदा में बुलाऊँ। अभी कौन बात करेगा, अभी आ भी गया बेचारा तो कौन बात करेगा? या आप बता दो कि यार मैं इसका भाई ही हूँ, मरने के बाद मैं अपने भाई के साथ ही हूँ आज तक, सच बता दो बस, झूठ नहीं बोलना, मैंने आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मरने के बाद मैं उसके साथ, सुभान अल्लाह, बाबा भाई इसका भाई या दूसरा भाई, सुभान अल्लाह, अली हक कोई तकलीफ नहीं हटनी क्यों तेरी भाई, यहाँ बात कौन है? ये चाचा इसका नाम क्या है? उसामा। उसामा ये है, वो नाम के लिए बड़ा पूछो, आप सुनिए लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ के बोलो आप सुनिए। सच तो सच बोल रहे ना, कलमा पढ़ के बोल दो आप सुनिए। सच बोल रहे बोलो, आपकी मौत कैसे हो गई, कहाँ हुई थी, कौन से इलाके में आपका एक्सीडेंट हुआ था? आपका एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था? कहाँ पर, कहाँ पर हुआ था? लिफ्टन। कैसे हो गया था भाई, क्या कर रहे थे आप, किस चीज़ में थे बाइक? फिर क्या हुआ था, बाइक कौन सी थी, 70 या 125? पावर क्या? सुपर पावर। सुपर पावर। अच्छा, आपके साथ कोई और भी था क्या, अकेले थे? हैं, कौन अकेले मरे थे? वो साथ में और भी कोई लड़का मरा? साथ में कौन था? बहुत सारे दोस्त यार थे, आप लोग रेसिंग कर रहे थे, फिर आपको अचानक, आपको ही क्यों मतलब मौत हुई, दूसरे को नहीं, किसी किससे टकराई गाड़ी आप? लाल गाड़ी। लाल गाड़ी क्या, सुपर पावर लाल रंग की, किसी लाल गाड़ी में टकराई कार, उससे क्या हुआ था? लेटा था आप, फिर सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे में आपकी मौत हो गई, सही बात है। अगर तेरे को कोई ऐसी बात पूछनी हो उसामा से, भाई डरता क्यों है यार, भले बातचीत नहीं कर लो, तुम्हारे तो कजन है ना, यकीन दहानी करने के लिए
तो तुझे कोई याद हो अपने भाई की बात, ऐसी कोई बात याद हो तेरे को कि तूने इससे मुलाकात की हो, कहीं एक साथ बैठे हो, कहीं एक साथ गए हो? ये कितना था जब आपका इंतकाल हुआ? आपको याद है कुछ कितना बड़ा था जब आपकी आप तो साइकिलिंग करते थे? आप एक मेहरबानी और करना, मैं आपको इशारे सवाल करके अभी भेज तो रहा हूँ ईसा नगरी कब्रस्तान, लेकिन मेरे को जो है ये आपकी बात आपके वालिद से करवानी है दोबारा। तो मैं अभी अभी आपको ईसा नगरी कब्रस्तान नहीं भेजूँगा। क्या बोला मैंने? ना आपको ईसा नगरी कब्रस्तान भेज रहा हूँ, ना आपको कलंदरी प्याला पिला रहा हूँ, ठीक है? आपको दोबारा बुलाऊँगा जब इनके वालिद साहब सामने होंगे, वालदा सामने होंगी, तो आपकी मैं दोबारा हाजिरी कराऊँगा, आपके वालदेन से बातचीत करा दूँगा, और फिर मैं आपको ईसा ले सवाल करके आपको आपकी कब्र में भेज दूँगा। अपने माँ बाप से बात करना चाहोगे आप? कब्र कहाँ है आपकी? कब्र कहाँ है? सही बोल रहे हैं, नागन में कब्र है आपके? अल्लाह ताला आसानी फरमाए, मैं ईसा ले सवाब तो कर सकता हूँ आपको अभी भी, लेकिन आपको भेजूँगा नहीं आपकी कब्र में, क्योंकि मुझे दोबारा आपके वालदेन से बात करानी है, वो खुश होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे मौला रहम फरमा। या अल्लाह आलम दे शरीफ शरीफ सवा हुजूर पुरनूर आका इनामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को कबूल फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस मेरे सामने शाहरुख का भाई बैठा हुआ है, मरहूम अल्लाह पाक ने उसकी बीवी को ईसा ले सवाब का कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह इसकी बीवी भटके ना, परवर रिजा इसको कोई आली मवाली, कोई बंगाली, कोई हबीस, कोई भी पढ़ाई करके इसको काबू ना करे। आमीन। और अल्लाह पाक तू ही इसकी हिफाजत करने वाला है, इसको इसकी कब्र में इसकी कब्र को कुशादा कर, इसकी आसानी फरमा दे। अल्लाह पाक इसको कहीं अगर खता हो गए तो अल्लाह पाक तू ही माफ़ करने वाला है। आमीन। और अल्लाह पाक को माफ़ी तू ही देने वाला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तू ही माफ़ करने वाला है, गफूर रहीम है। या अल्लाह माँ बाप को भी सब्र जमील अता फरमा, सब्र अता फरमा। और अल्लाह पाक ये बच्चा जो है शाहरुख परेशान है, आप भी अपने भाई को छोड़ देना तो आपके भाई आपकी वजह से परेशान है, आपको इसका इल्म नहीं, आपको मोहब्बत में चल रहे आपके भाई के साथ। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आप छोड़ देना, एक मरतबा आपको बुलाऊंगा, आपकी मेहरबानी आ जाना, इज्जत रखिएगा हमारी। अल्लाह ताला तुम्हें आसानी फरमाए तुम्हारी रूह को भी। अल्लाहमीन बड़े यारमीन, आप आँखें में आँखें मिलाओ, तीन मरतबा में दम करूँगा, चौकी मौला अली बारा लगाऊँगा। बाबा इनसे पूछें कि इनके माँ बाप के लिए जिसने जो बुरा किया है उनके घर में कोई ताबीज़ वाबीज़ गड़ा हुआ है, अगर गड़ा हुआ तो क्या ये निकाल सकता है? आपको सर कुछ पता है अपनी वालदा मुसरत के बारे में कि उनको किसी ने कोई शरारत करी हुई, उनके साथ कोई असरात वगैरह, कोई जिन्नात वगैरह, या किसी ने भेज के कोई परेशान किया हुआ, कोई ताबीज़ वाबीज़ गाड़े हुए, कुछ महसूस होता है या मालूम होता है आपको, पता चलता है कुछ आपकी वालदा को? आपको पता है ना कि वो दुश्मनी करती है अपना मुमानी को, परेशान करती है आपकी वालदा को, तो आपकी वालदा को कहीं घर में इधर उधर कोई ताबीज़ वाबीज़ गड़े हैं, कहीं कोई शरारत की हुई है किसी ने कहा? नहीं। आपकी वालदा के साथ कोई असरा का मसला है? नहीं। बीमार रहती है? चलो मैं देख लूँगा इंशा अल्लाह। बिलहाल बिल वक्त आप उसके जिसम को छोड़ोगे, तीन मरतबा दम करूँगा, आपको चौथा मौला अली का नारा लगाऊँगा, ये बच्चा हमारा जो है ना इसको मैं धक्का दूँगा, ये बेहोश होगा, और तुम पूरी ताकत से इसके जिसम से निकल जाओगे, हमें एहसास दिलाना अपने पावर से तुम छोड़ के जाओगे उसको, जब मैं बुलाऊँगा जाना अब, या इसके जिसम में बुलाओ तुमको, या तो इसकी वालदा में सरे ये बात की बात है अल्लाह को, ठीक है? फिर तुमको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ,
तो यहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं इंशाल्लाह एक आदमी में कोशिश करता हूँ दोबारा आ सकता हूँ। ला लेंगे आँखें बंद करो पूरी ताकत से सिचुएशन से निकल जाना, और मेहरबानी करना पूरी ताकत से सिचुएशन से निकलना, और मेरे साथ में रहना अगर तुम छोड़ कर जा रहे हो अपने भाई को, ठीक है। यारी मदद छोड़ो उसके जिसम को हल्का, हाथ छोड़ो यारी मदद। सुभान अल्लाह क्या बात है, पाँव सीधे कर दो उसके पूरी ताकत के जिसम से निकलो, और इसके हक में अगर बेहतर हो तो इसको इसकी कब्र तक पहुंचा दो, बात की हाजिरी वगैरह देखी जाएगी, अल्लाह बड़ा है। सुभान अल्लाह, इसके लिए बेहतर यही है कि अपनी कब्र में जाए तो इसको पहुंचा दो इसकी कब्र में, बाकी इसकी वालदा को देख लेंगे, बात हो सकती है नहीं हो सकती बात की बात है, फिर वक्त इसको सुकून हो जाए बड़ी बात है। पूरी ताकत से निकलो, पूरी ताकत से, शाबाश अली हक, शाहरुख छोड़ दो अपने भाई को, थोड़ा झटका लगाओ, हमें एहसास दिलाओ तो तुम शाहरुख को छोड़ के आ रहे हो, थोड़ा दम वाला पानी आता है। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, पूरी ताकत से निकल जाओ बेटा, छोड़ दो शाहरुख को अपने भाई को, पूरी ताकत से निकल जाओ। सुभान अल्लाह, अली हक 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 अली हक, तुम सब में इसका रंग जो ना वो कम था, डिम था, तुम सब में ये देखो, अभी वो देखो उसके चेहरे पे। सुभान अल्लाह, ये गिलास में भर यार आधा गिलास, खड़ा होकर बना ले, थोड़ी तकलीफ कर ले, कुछ नहीं हो जाएगा। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, चलो बेटा जरा पूरी ताकत से निकलो, हजरत इस मोहम्मद से तुम्हें लेके जाएंगे इस नगरी कब्रिस्तान में, चले जाओ उनके साथ याकूब शाह बाबा के मजार पे, और दोबारा बुलाने जैसा होगा तो बुलाएंगे, वरना आप अपनी कब्र में सुकून से रहो, अल्लाह हामी और नासिर हो सकता है। आमीन। छोड़ दो बेटा छोड़ दो, अली हक 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 अली हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अली हक 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 अली हक, और बोलो सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बेटा जरा झटके से निकलो, अली हक अली हक अली हक, भाई की सारी तकलीफें दूर कर दो, तुम्हारी मेहरबानी, अली हक अली हक अली हक, भाई का भी भला करे, पूरी ताकत से जितना घूमना है घूमो, जो करना है करो, पूरी ताकत से हटा इसको, पूरी ताकत से निकल जाओ मेरा भाई, पूरी ताकत से निकल जाओ, छोड़ दो इसके जिस्म को, निकलो पूरी ताकत से, आपको मैंने जगह दे दी है बहुत, पूरी ताकत से झटके से निकल जाओ, अली हक अली हक, निकलो निकलो, छोड़ दो अपने भाई के जिस्म को, सुभान अली हक अली हक अली हक अली हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, शाबाश शाबाश, पूरी ताकत से अली हक 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 पूरी ताकत से अली हक 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 अली हक, ठीक है बेटा, अपने भाई को छोड़ कर सलाम दे देना हमारा, पूरी ताकत से निकल जाओ, देखो तुमको हजरत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ नजर आ रहे हैं कहीं, हजरत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, किस तरह खड़े हुए इशारा करके बताओ उंगली के, क्या क्या खड़े हुए उंगली का इशारे से बताओ, सुभान अल्लाह, यहाँ खड़े हुए, अच्छा उनका कद कैसा है, सुभान अल्लाह वाह, गोंद का कद लंबा है, एक का कम है, दोनों का गोंद लंबे कद के हैं,
और क्या नजर आ रहा है? सिर्फ दोनों है या और भी तुम्हारे को नजर आ रहे हैं यहाँ पे? कोई अल्लाह के वली और भी है या सिर्फ दो ही है? दो है। सुभान अल्लाह। ये एक हजरत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ में चले जाओ, चलो जो सो इनके साथ चले जाओ ईसा नगरी कब्रिस्तान में। हाँ, याकूब शाह बाबा के मदार पे जाना। अच्छा, हमारा नाम बोलो, वहां जाके सलाम देना है आपको। हमारा नाम बोलो, पीर सोहबत कलंदरी। पीर सोहबत कलंदरी। हाँ, हमारा सलाम दे देना, ठीक है? और पूरी ताकत से, झटके से, एक एक जिस्म के एक एक हिस्से से निकल जाओ, और शाहरुख को आजादी हो जाएगी, शाहरुख का जिस्म भी हल्का हो जाएगा। आप थोड़ी ताकत से निकल जाओ, और आपको भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से छोड़ दो अपने भाई को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, निकलो निकलो, शाबाश, पूरी ताकत से निकलो, पूरी ताकत से, जिस्म के एक एक हिस्से से। आ हा हा हा, क्या बात है। अली हक, 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 छोड़ दो छोड़ दो भाई। हक नाम क्या था इसका? पूरी ताकत से छोड़ो। शाहरुख नहीं, दूसरा सविल सुबैयल। चलो बेटा सुबैयल, जाओ छोड़ दो अपने भाई को, निकल जाओ उसके जिस्म से। शाबाश, ईसा नगरी कब्रिस्तान चले जाओ। अगर हमको बुलाना हुआ तो बुलाएंगे, आना हो तो आना, नहीं आओ तो तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं किसी मरहूम को अजियत देने की। अभी आपको ले आते हैं तो चले जाओ ईसा नगरी कब्रिस्तान, पूरी ताकत से निकल जाओ। शाबाश, छोड़ दो इसके जिस्म को, छोड़ दो। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, पूरी ताकत से निकल जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, छोड़ दो इसके जिस्म को, ये बात झटके से निकलो। ताकत लगाओ, पूरी ताकत से झटके से निकल जाओ, पूरी जान लगाओ, छोड़ दो भाई को। शाबाश, अल्लाह हामी और नासिर है तुम्हारा। छोड़ दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, छोड़ दो छोड़ दो। शाबाश, अली हक, 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 अली हक। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चले जाओ मेरा बच्चा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़रूरत नहीं इंशाअल्लाह, छोड़ दो बेटा। जा रहे हो ना, ये अभी रहना है भाई के अंदर रहना है, हैं? ये छोड़ दो यार, भाई को क्यों तंग कर रहे हो यार, छोड़ दो। शाबाश, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानल्लाह कहिए, छोड़ दो शाबाश, चले जाओ, छोड़ दो शाहरुख को, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानल्लाह कहिए, ज़ालिमीन, निकल जाओ उसके जिस्म से, पूरी ताकत से निकल जाओ, पूरी ताकत से, छोड़ दो छोड़ दो। सुभानल्लाह 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 सुभानल्लाह, छोड़ दो बेटा। शाबाश, छोड़ दो। शाबाश, सुभान अल्लाह। मुंह खोलो, थोड़ा पानी डालो दम वाला, मुंह खोलो और छोड़ दो बेटा, चले जाओ। शाबाश शाबाश, अल्लाह और रसूल पाक के हवाले सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह, जाओ। शाबाश, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाहरुख शाहरुख शाहरुख, आके बोलो आप, शाहरुख हो तो ये लेटे हुए क्यों हो यार, उठो बैठो। सुभान, आप लेटे हुए क्यों? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बंद नहीं कर लो। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। शाहरुख, ये लो पानी पियो, और ये तुम्हें बताओ कि तुम्हारे को थोड़ा जिस्म हल्का हुआ नहीं हुआ, तुमको कुछ सुकून लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है तुम्हारे को, ये बताओ। और आप मेरे साथ बैठे हुए थे अभी यहाँ पे, मैं कहाँ बैठा हुआ था? यहाँ बैठा था नीचे, ये यहाँ बैठा था ऊपर नीचे, तुम सूख हो गए। तो मैंने बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, फिर क्या हुआ है भाई? मैंने आपको बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, उसके बाद क्या हुआ है? जोर से बोल, जोर से गुब हो गया था। बैठ गया, इधर आ साथ, इधर
क्या हुआ था? गुम होके कहाँ चला गया मेरे भाई? कहाँ चला गया गुम होके, ये तो बता। वो कितनी देर से घुमा ये पता है तेरे को? कितनी देर हो गई तेरे को गुम हुए? और ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदा यहाँ बैठा हुआ गुम हो गया? तू तो यही हमारे सामने है। ये गुम होने का मतलब क्या समझूं मैं यार? हैं? गुम होने का मतलब क्या समझूं? चला गया। अरे कहाँ चला गया मेरे भाई? ये सब बैठे हुए इधर ही है, तू कहाँ चला गया? किसी बातें कर रहा है? चला गया कहीं? यही था। हाँ कैसे बोल रहा तू चला गया था? कहाँ चला गया भाई तू? कोई बात तो बता तेरी, हमारी कोई बातचीत हुई, तुझे कुछ याद है हमारे मुतालिक? क्या बातें की हमने, क्या नहीं की? हैं? तेरी मामी का नाम साइमा है? तेरी दूसरी मामी का नाम शहनाज है? तेरी मामी साइमा उधर लंदन में है और शहनाज कराची में कटीपाड़ी में? ये बातें तूने मुझसे की? मुझे कैसे पता चला? है? मुझे किसने बताया? अच्छा तेरा भाई जो है वो लाल मोटरसाइकिल में, लाल गाड़ी में टकराया था और एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल, तुझे पता है? कितना पता है तेरे को अपने भाई के बारे में? क्रिप्टन में एक्सीडेंट हुआ था, क्या क्या पता है? 9 साल पहले तू कितना था भाई? तुझे तो इतना याद भी नहीं होगा। पावर सुपर पावर थी 70 उसके पास, ऊपर लेटा हुआ था बोलने। तुझे पता है तेरे भाई से हमने बात की? तू तो गुम हो गया था ना, तेरा जिस्म हल्का नहीं है अभी? सुकून महसूस नहीं हो रहा? अच्छा नहीं लग रहा तेरे को? हमने तेरे भाई से बात की, तेरा भाई तेरे साथ ही था। तेरे को वीडियो दिखाएंगे तेरे साथ क्या बातें हुई, तेरे भाई के साथ जो बातें हुई हैं दिखाएंगे वीडियो तुझे, ठीक है? तुझे तो कुछ पता नहीं ना, तू तो गुम हो गया था ना, हैं? ये तो पता है ना, तूने मेरी वीडियो देखी नहीं देखी है? मेरी वीडियो में कभी तूने सुना है मैं लाल मिर्च पिलाता हूँ तेरे को, लोगों को प्याले पिलाता हूँ लाल मिर्च, पता है तेरे को? कभी नहीं सुना? देखी नहीं है? तो थप्पड़ मारता हूँ मैं, ये पता है? मेरे को नहीं जानता, मेरे बारे में कुछ नहीं पता इसको? पहली दफा मुलाकात थी, पहली दफा से वीडियो बोला, दूसरी दफा है नीचे, तो तीन दफा आया। तू इनसे पहले मेरे से कब मिले थे? ऐसी नीचे मुलाकात हुई होगी। ये बोलता है कभी भी नहीं मिला, तू बोलते दो दफा मिला है। नहीं, वो नीचे एक दफा मिले। तुम आज से पहले मेरे से मिले हो कभी? दो दफा बोला इसने। इसने देखा होगा आपको। मुझे मेरे पास भाई ये एक नीचे का बोल रहा है, एक ऊपर का बोल रहा है। चलो बाबा मन करूँ बाबा, बस आपको सुकून है ना, अल्लाह की मेहरबानी है, बस अल्लाह हाफिज़।